देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक लाभा H6 मॉडल का कीपैड फ़ोन है और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे हीरो देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप का कीपैड मोबाइल का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेनू वाला बटन पर एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद मैं सेटिंग्स वाला सेक्शन पर आ जाऊँगा। तो सेटिंग्स वाला सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर ओके बटन प्रेस करूँगा और नीचे आपको एक सिक्योरिटी सेटिंग्स वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ओके बटन पर प्रेस करना होगा। यहाँ पर ओके बटन पर जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद यहाँ पर फोन सिक्योरिटी वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं ओके बटन पर प्रेस कर रहा हूँ और उसके नीचे यहाँ पर देखिए दोस्तों चेंज पासवर्ड वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं ओके बटन पर प्रेस करूँगा। जैसे ही प्रेस करते तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनपुट ओल्ड पासवर्ड। तो इस फोन का जो डिफॉल्ट पासवर्ड था उसी को मैं एंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको डालना होगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यही आपका डिफॉल्ट पासवर्ड है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जैसे ओके बटन प्रेस करूँगा तो मुझे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनपुट न्यू पासवर्ड, मतलब ओल्ड पासवर्ड मेरा काम कर गया है। ठीक है, तो मैंने ओल्ड पासवर्ड क्या डाला, 4321। उसके बाद अभी मैं न्यू पासवर्ड अपने हिसाब से डाल दूंगा। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पर डालता हूँ 1212। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ओके बटन प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो जैसे ही मैं न्यू पासवर्ड डाल दूंगा तो मेरा कंफर्म हो जाएगा। मुझे बताना था कि आप कैसे डिफॉल्ट पासवर्ड को पता करोगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कन्फर्मेशन मिल चुकी है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिल चुकी है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।